कहानी एक टाउन की है जहाँ से 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनकी कहानी आज हेलोवीन के दिन मिस गामी न्यूज रिपोर्टर्स सबको बता रहा है। जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था उन तीनों की ही उम्र 16 साल थी और तीनों को ही 16 बार स्टैब करके मारा गया था। किनर ने ये सभी मर्डर मास्क पहन कर किए थे, इसलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया। उसने क्योंकि 16 साल की जवान लड़कियों को मारा था, इसलिए उसका नाम स्वीट 16 किलर के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे डरने लगे, यहाँ तक के लोग अब हेलोवीन पर भी उसी का अपने मिल गए थे। फिर सीन अब जिमी नामी एक लड़की की तरफ शिफ्ट होती है, जिसकी एक दोस्त है अमील। ये दोनों कॉन्सर्ट में जाना चाहती है पर इनके पेरेंट्स इन्हें इजाजत नहीं दे रहे। हालांकि वो ये बात जानते भी हैं कि जिमी को सेल्फ डिफेंस आता है, वो कराटे चैंपियन है, पर उसके पेरेंट्स के डरने की वजह उनके दिल में बैठा हुआ पुराना खौफ है। पता चलता है कि जिन लड़कियों के मर्डर की कहानी हमने सुनी है वो अमेलिया और जिमी के पेरेंट्स की क्लास फेलोज थी। और इस वक्त जिमी के डैड ये फैसला करते हुए इस लड़ाई को खत्म करते हैं कि वो खुद जिमी और अमेलिया को कॉन्सर्ट में लेकर जाएंगे। पीछे घर पर अब जिमी की मॉम अकेली थी, जहाँ पहले उनसे कुछ बच्चे हेलोवीन का गिफ्ट लेने के लिए आते हैं और फिर स्वीट 16 के लिए भेस में एक आदमी। इसे गिफ्ट या कैंडी नहीं चाहिए थी, बल्कि इसे तो जिमी की मॉम की जान चाहिए थी। वक्त रहते ही जिमी की मॉम दरवाजे को लॉक करते हुए जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इतने में किलर भी दरवाजे को लॉक खोल के घर के अंदर आ जाता है। अब पैम यानी जिमी की मॉम ब्रोक के अंदर से एक गन निकालती है किलर को मारने के लिए, लेकिन किलर यहाँ गन पकड़ कर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पैम अपना अच्छा सेल्फ डिफेंस कर रही थी क्योंकि वो खुद भी एक कराटे चैंपियन थी। अपने ऊपर हावी होते हुए किलर को एक जोरदार झटके से साइड पे गिराते हुए पैम जल्दी से किचन में जाकर एक नाइफ निकाल लेती है और किलर को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस आने वाली है। ये सुन किलर भी थोड़ा घबरा जाता है, वो अब यहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ गया था। पैम को लगा कि किलर जा चुका है, लेकिन तभी अचानक किलर पीछे से पैम के ऊपर हमला करते हुए उसे कई मर्तबा स्टैब करके मार देता है। किलर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पुलिस आ जाती है। न्यूज रिपोर्टर क्रिस सबको बताता है कि पैम को भी 16 मर्तबा स्टैब करके मारा गया है, यानी स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है। जेमी भी तब अपनी मॉम के मर्डर की वजह से काफी दुखी थी। अगले दिन स्कूल में ऑफिसर्स जब केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेमी को बुलाते हैं, जहाँ उसे बताया जाता है कि पैम काफी दिनों से क्रिस नामी न्यूज रिपोर्टर के साथ रابطे में थी। इसीलिए जेमी जाकर क्रिस से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर क्यों आप अपनी मॉम को इतने मैसेजेस करते थे। क्रिस बताता है क्योंकि तुम्हारी मॉम को कुछ दिन पहले ही किलर ने एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था यू आर नेक्स्ट। उसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। यही बातें वो जाकर अब अपनी फ्रेंड अमेलिया से डिस्कस करती है, जहाँ अमेलिया ने अपने साइंस फेयर के लिए अपनी मॉम का आइडिया यूज करते हुए एक टाइम मशीन बनाई थी। जिमी नोटिस करती है कि उसने टाइम मशीन में उसी डेट को एंटर किया हुआ है जब आज से 35 साल पहले स्वीट 16 किलर के हाथों इनकी मॉम के फ्रेंड्स का मर्डर हुआ था। जिस बारे में अमेलिया जिमी से कहती है कि अगर हमने पास्ट में जाकर पहले होने वाले मर्डर्स को रोक दिया तो तुम्हारी मॉम भी आज जिंदा तुम्हारे साथ होंगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम मशीन काम ही नहीं कर रही। अब रात होने पर अमेलिया और जेमी दोनों ही इस टाइम मशीन के पास थे। वो लोग अपनी बातें ही कर रहे थे या अचानक स्वीट 16 किलर जेमी पे भी हमला करने के लिए आ जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छुप जाती है, जहाँ अभी भी वो किलर जेमी को स्टैब करने की कोशिश कर रहा था और गलती से उसका चाकू टाइम मशीन के अंदर स्टैब हो जाता है। ऐसा करते ही टाइम मशीन चालू हो जाती है और देखते ही देखते जेमी पहुंच जाती है उसी डेट में जब स्वीट 16 किलर ने पहला मर्डर किया था। उसकी टाइम मशीन भी अब खराब हो चुकी थी। वो सबसे पहले इस टाइम मशीन को छुपाती है और फिर अपने मॉम डैड के कॉलेज में आ जाती है। स्कूल में उसे वही तीनों लड़कियां भी मिल जाती है जिनका मर्डर हुआ था और यहाँ एक लड़की जेमी को बहुत सी बॉल्स मारती है। जेमी को मालूम होता है कि ये उसकी मॉम पैम ही है, जो अपने स्कूल टाइम में काफी बोल्ड थी। साथ ही उनका पूरा ग्रुप भी स्कूल में काफी फेमस था। इस सब के बाद वो अमेलिया की मॉम के पास आती है और उसे बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, आपकी डायरी की मदद से आपकी बेटी अमेलिया ने टाइम मशीन बना ली है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अमेलिया की मॉम को उसकी बातों पे यकीन करना इसलिए मुश्किल ही हुआ था क्योंकि वाकई ये वो टाइम मशीन के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही थी और आज तक उसने अपनी रिसर्च और डायरी के बारे में किसी को नहीं बताया था। जब ये अमेलिया की मॉम को बताती है कि आज रात आपके ग्रुप की 3 लड़कियों का मर्डर हो जाएगा और साथ में काफी सालों बाद वही किलर मेरी मॉम को भी मारेगा, मैं बस ये सारी चीजें ठीक करने के लिए यहाँ आई हूँ। जब ये अमेलिया की मॉम को अब अपनी टाइम मशीन के पास लेकर आती है और बताती है कि पहले तो ये टाइम मशीन काम नहीं कर रही थी और फिर जब किलर ने मुझे मारने की कोशिश की तो गलती से उसका चाकू इस टाइम मशीन में स्टैब हो गया और फिर अचानक ये मशीन चल पड़ी। अमेलिया की मॉम बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो इस चाकू ने पूरी कर दी और ऐसे ही ये चल गई। और अब अमेलिया की मॉम उसकी खराब हुई टाइम मशीन को ठीक
कहने लग जाती है, क्योंकि इसी के जरिए तो जेमी ने अपनी टाइम में वापस आना था। जेमी के टाइम में यानी फ्यूचर में दिखाया जाता है कि जेमी के गायब होने पर उसके डैड के साथ बहुत से लोग परेशान हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी उसे ढूंढने की कोशिश में है, जहां अमेलिया ऑफिसर्स को बताती है कि जेमी मेरी बनाई टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जा चुकी है, सिवाय न्यूज रिपोर्टर क्रिस के। यहां पास्ट में दिखाया जाता है कि अमेलिया की मोम और जेमी अब उस पार्टी में आई है जहां पर पहला मर्डर होगा। वो यहां आकर पैम मेरी अपनी मोम के ग्रुप को बताती है कि आप लोग संभल के रहिए, आप लोग के इर्द गिर्द खतरा है। पर ये लोग तो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी जेमी हार नहीं मानती और वो पार्टी में इन चारों के ऊपर ही नजर रखे हुए थी। हम देखते हैं कि पैम की एक साथी ऊपर अपने बेडरूम में थी, तभी अचानक उसे स्वीट 16 किलर मास्क में नजर आता है, जिससे वो अपना फ्रेंड समझ रही थी। वो किलर अब उसके पास आता है और बेदर्दी से 16 मरतबा उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसका खून कर देता है। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से जेमी और पैम उसके कमरे में आते हैं और उसको मरा देख कर पैम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेमी उसे संभाल कर पार्टी से बाहर लेकर आती है और यहाँ पर पैम पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि हम में से किसी की जान खतरे में है। तब जेमी उसे सच ना बताते हुए ये कहती है कि मुझे बस फ्यूचर के वियन आते हैं, इसी वजह से मुझे ये बात पता थी। यहाँ फ्यूचर में हम देखते हैं कि अमेलिया के पास क्रिस आया है। वो उसे बताता है कि मुझे हमेशा से ये बात याद थी कि सबसे पहले जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो बेडरूम में नहीं बल्कि गैरेज में हुआ था, पर अब अगर पास्ट की फोटोज देखी जाए तो मर्डर बेडरूम में नजर आ रहा है। जिस पर अमेलिया उसे समझाती है कि क्योंकि जेमी फ्यूचर से पास्ट में गई है, हो सकता है कि इसीलिए पास्ट बदल गया हो। यही पास्ट की फोटोज में अमेलिया को जेमी नजर आती है और कुछ ही देर बाद उसे जेमी का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारी टाइम मशीन के अंदर एक कंडक्टर की कमी थी। जिसके बाद अमेलिया दोबारा टाइम मशीन बनाने में लग जाती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि जेमी अपनी मॉम के ग्रुप के साथ है, सभी अपने फ्रेंड की मर्डर की वजह से उदास हैं और यहाँ जेमी उन्हें आइडिया देती है एक पार्टी करने का यहाँ से कहीं दूर जाकर। अब इसी टाइम उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और जेमी यहाँ एक ऐसी लड़की के पास बैठती है जिसकी राइटिंग उसे बिल्कुल अपनी मॉम की किलर की राइटिंग जैसी लग रही थी। अब अगले दिन ये लोग पार्टी करने के लिए जिस घर में आए थे, जेमी देखती है कि ये वही घर है जहाँ पे दूसरा मर्डर हुआ था। पैम के ग्रुप ने यहाँ पे अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था, सभी स्विमिंग पूल में काफी एंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जेमी काफी परेशान थी क्योंकि किलर का अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था। आज जिस लड़की का असल में मर्डर होना था उसके रूम में पैम की दूसरी फ्रेंड लेटी हुई थी, जहाँ किलर अब उसे मारने के लिए आ जाता है। वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागती है और सभी को उसका शोर सुनाई दे जाता है। ये सब लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते उस लड़की को बचा पाते, वो किलर 16 बार स्टैब करके इस लड़की को मार चुका था। पास में जेमी और जेमी के डैड इस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किलर बड़ी आसानी से दोनों को मार कर गिरा कर यहाँ से भाग जाता है और इस मर्डर की रिपोर्ट करते हैं पास में क्रिस के डैड। यही पर अमेलिया की मॉम आकर जेमी को बताती है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसमें काफी सारे पार्ट्स ऐसे लगे हैं जो फ्यूचर के हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं, मैंने टाइम मशीन का एक छोटा और मेजर पार्ट बना लिया है, इसे एक बड़े पावर हाउस की जरूरत है जिसके बाद ये काम करने लगेगा। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ सामने जेमी को उस लड़की का ट्रक नजर आता है जिसकी राइटिंग उसे किलर से मिलती जुलती लगी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़कर उस लड़की का ट्रक चेक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर तो खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं था और वो लड़का भी काफी डरा सहमा था। वो जब यही बातें कर रही होती हैं तो यहाँ पर डॉग नाम का एक आदमी आता है जो अभी पैम का एक क्लास फेलो है। वो उससे कहता है कि अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बताना, मैं कराटे चैंपियन हूँ और सब कुछ बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा जेमी अमेलिया के मॉम के पास जाती है जो अभी भी अपनी टाइम मशीन के लिए बड़ा पावर हाउस ढूंढ रही थी। जब जेमी को वहाँ पर एक झूला नजर आता है जो एक परफेक्ट पावर हाउस का काम कर सकता था, ये लोग अब झूले के पास जाकर उसके कंट्रोलर से कहते हैं कि आपके झूले में कोई खराबी है और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। ये झूले वाला भी मान जाता है और वहाँ से खड़ा होकर बाहर निकल जाता है और अमेलिया के मॉम अब उस टाइम मशीन को इस पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जेमी अब पैम के ग्रुप से मिलती है और उन्हें बताती है कि कल जिस लड़की का मर्डर हुआ फ्यूचर टाइम के मुताबिक उसका मर्डर आज होने वाला था, जबकि किलर ने कल दूसरी लड़की को मारना था। अब क्योंकि वो अपने सही टारगेट को नहीं मार पाया, इसीलिए आज वो इस लड़की को मारने के लिए वापस जरूर आएगा। अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो हम इस लड़की की जान भी बचा सकते हैं और किलर को भी पकड़ सकते हैं। सभी लोग उसकी मदद करने को मान जाते हैं, जबकि फ्यूचर में दिखाया जाता है कि अमेलिया ने भी अपनी टाइम मशीन बना ली है। वो क्रिस से कहती है कि हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए एक मेटल कंडक्टर चाहिए होगा जिसे तुम जाकर ले आओ। इधर पास्ट में ये लोग किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। जेमी अब उस लड़की को हॉरर हाउस में भेजती है जिसे किलर ने मारना था। उनके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक किलर भी वहाँ पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो उस लड़की को मारता उससे पहले जेमी नजर आ जाती है जिसने पिछले मर्डर के टाइम में भी इस किलर को पकड़ने की कोशिश की थी। वो सोचता है कि क्यों ना पहले जेमी को ही खत्म कर दिया जाए। वो जब जेमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जेमी बड़ी आसानी से इस हमले से अपने आप को बचा लेती है क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस आता था। इससे पहले कि किलर अब उसके ऊपर भारी पड़ता, यहाँ पास में ही जेमी के डैड और बाकी लोग भी आ जाते हैं जिन सभी के साथ ही किलर
अकेला लड़ रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी क्योंकि उसने एक ही वक्त में सभी को काबू किया हुआ था। किलर का ध्यान इन सबसे लड़ने में था और इससे जिसका फायदा उठाते हुए पीछे से एक लड़की एक बड़ी सी स्टेक उसके सीने में स्टैब करके उसे मार देती है। फाइनली अब किलर मर चुका था। ये लोग किलर का मास्क उतार कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये डॉग नाम का वही लड़का है जिसने पहले जिमी से बात की थी और उसे बताया था कि वो एक बहुत ही अच्छा कराटे चैंपियन है। लेकिन अब सवाल ये था कि इन्हीं का क्लास फेलो इन्हीं को क्यों मार रहा था। ये लोग डॉग के गले में पहना हुआ एक पेंडेंट देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर थी। फैमिली ने जिमी की मॉम कहती है कि ये लड़की डॉग की फ्रेंड थी। वो काफी मोटी और अच्छी दिखती थी इसलिए हम सारे उसे बुरी किया करते थे। फिर एक दिन पैम की तीनों फ्रेंड्स ने उसे नाइट आउट में बुलाया और उसकी इतनी बेइज्जती की उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। गुस्से में उसने बहुत ड्रिंक किया और फिर गाड़ी चलाकर वहां से चली गई और इस सब में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। डॉग को लगता था कि उसकी फ्रेंड को मारने के पीछे इन तीनों लड़कियों का हाथ है इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। जेमी अब पैम्स कहती है कि आप लोग बहुत बुरे हैं, आप लोग इतना बुरा काम भी कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं था। पैम कहती है नहीं मैं नहीं, मैं उस दिन पार्टी में भी नहीं थी। लेकिन जेमी उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसे अफसोस हो रहा था कि पैम जैसी बुरी लड़की उसकी मॉम है। अभी ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि स्वीट 16 के लड़के फेस में कोई और आदमी आकर पीछे से तीसरी लड़की को भी मार देता है जिसकी जान अभी जेमी ने बचाई थी। इसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं और जेमी बताती है कि असली किलर को हम मार चुके हैं। मुझे लगता है कि ये किलर फ्यूचर से आया है अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ सीन कट होकर दिखाया जाता है कि फ्यूचर में अमेलिया का मर्डर हो चुका था। यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि फ्यूचर से आए हुए इस किलर ने जाकर पास्ट के टाइम रिपोर्टर को यानी क्रिस के डैड को भी मार दिया था। इसे सारी अफरा तफरी के अंदर अमेलिया की मॉम टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है और जेमी से कहती है कि तुम तो एटलीस्ट अपने टाइम में वापस जाओ, अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जेमी टाइम मशीन के अंदर आ जाती है और किलर उसे भी मारने के लिए टाइम मशीन में आ जाता है। वो यहाँ जेमी को मार ही देता पर इतने में पैम यहाँ पे आती है और वो पीछे से किलर का गला पकड़ लेती है। किलर ने एक ही झटके में पैम से अपनी जान छुड़वा ली थी। अब ये दोनों किलर से लड़ने की कोशिश में थी लेकिन किलर इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। इस झूले के अंदर इन्होंने टाइम मशीन लगाई हुई थी। टाइम मशीन के एक्टिवेट होने की वजह से ये झूला बहुत ही तेजी से घूमने लगा था और उसकी वजह से ये सारे लोग अब पीछे जा लगे थे। यहाँ तक कि ये लोग हिल भी नहीं पा रहे थे पर ये किलर किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के साथ साथ चलते चलते पैम तक पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो पैम को स्टैब कर देता यहाँ जिमी वक्त रहते ही इस झूले का दरवाजा खोल देती है जिसकी वजह से पैम यहाँ से बाहर गिर चुकी थी। दरवाजे के खुलने की वजह से हवा के प्रेशर के जरिए किलर का मास्क भी उतर जाता है जिसकी वजह से हम किलर का चेहरा देख पाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया न्यूज रिपोर्टर क्रिस ही है। उसने फ्यूचर में अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था और वो यहाँ पर आ गया। फ्यूचर में उसी ने ही जेमी की मॉम यानी पैम को भी मारा था ताकि स्वीट 16 की कहानी कंटिन्यू रहे। लोग इस कहानी को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे थे पर क्रिस तो हर मरतबा इसी कहानी की ब्रॉडकास्ट करके पैसे कमाता था। जेमी पूछती है कि आखिर तुमने अपने डैड को क्यों मारा, जिस पर क्रिस बताता है कि उन्होंने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। इससे पहले कि इस टाइम मशीन के अंदर अब जेमी मारी जाती है, जेमी एक नेल गन का इस्तेमाल करते हुए क्रिस को ही मार देती है और दिखाया जाता है कि फाइनली अब जेमी पहुंच चुकी है अपने टाइम के अंदर। घर आने पर वो देखती है कि उसके मॉम डैड दोनों सही सलामत थे यानी उसने फाइनली पास्ट को चेंज करके अपनी मॉम की जान बचा ली थी। यहाँ पर अब अमेलिया की मॉम जेमी से मिलती है और उसे एक साइड में ले जाकर बताती है कि मैं आज बहुत नर्वस थी, मैं जानती थी कि आज की टाइम मशीन तुम्हें इस टाइम में लेकर आएगी और मैं नर्वस इसलिए थी कि अगर उस टाइम मशीन के अंदर से किलर भी निकला तो क्या होगा, इसीलिए तो मैंने अपने पास एक गन भी छुपा ली थी। वो अब जिमी को एक बुक देती है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो उसके पास्ट में जाने की वजह से इस टाइम में चेंज हो गई थी। या इस टाइम में यानी फ्यूचर में जिमी का एक भाई भी है जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने जिमी रखा था और असल में जिमी का नाम अब चेंज हो चुका था और यही सब बताते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।